नमस्कार, इन सभी का आरसीए केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे अणु एवं आयन। अणु एवं आयन टॉपिक है अपना अणु एवं आयन। पहले वाली वीडियो में पढ़ा था परमाणु क्या है, किसी पदार्थ की सूक्ष्म इकाई होती है, उसके संबंध में जो भी डिटेल्स आपने कर लिया था। आज अपन देखते हैं अणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन अणु। अणु परमाणु क्या था, परमाणु लिखे थे पदार्थ की सूक्ष्म इकाई होती है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो उस कंडीशन में अणु क्या होता है, परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, अणु का। ठीक है, और इस प्रकार जो अणु होता है वो द्रव्य की यानी पदार्थ की वह इकाई होती है, पदार्थ की वह इकाई होती है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है एवं रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं ले, रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं, यानी इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अणु का स्वतंत्र अस्तित्व है परंतु किसी भी रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्या कहलाता है अपना अणु। इसके बाद देखते हैं अणु के प्रकार। तो अणु के टाइप की बात करें तो अणु होता है दो प्रकार का, तत्व का अणु और नंबर दो होता है यौगिक का अणु। अणु के प्रकार, प्रकार होता है इसका, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक है तत्व का अणु, तत्व का अणु, और नंबर दो है यौगिक का अणु, यौगिक का अणु। सबसे पहले देखते हैं तत्व का अणु क्या होता है, तत्व का अणु क्या होता है। जब दो समान प्रकार के परमाणु, जब दो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर जो अणु बनता है उसे कहते हैं तत्व का अणु। क्या लिखेंगे, समान प्रकार के परमाणु से समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना अणु, तत्व का अणु कहलाता है। यानी जो समान प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर जो अणु बनता है उसे कहते हैं तत्व का अणु। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जैसे H2, N2, Cl2, Br2, P4, S6, S8 आदि। यानी इसमें तो परमाणु है, इसमें देखिए इन दो आपस में जो संयोग करने वाले हैं दोनों परमाणु कैसे समान, जैसे H2 में दोनों हाइड्रोजन परमाणु कैसे समान, N2 दोनों नाइट्रोजन परमाणु कैसे समान, Cl2 दोनों क्लोरीन परमाणु कैसे समान, Br2 दोनों ब्रोमीन कैसे समान, P4 चार फास्फोरस क्या है समान है, ये सल्फर S6 यानी सभी जो आप संयोग करते हैं एक समान प्रकार के परमाणु से मिलकर जो अणु बनता है उसे कहते हैं तत्व का अणु। इधर है अपना नंबर दो है यौगिक का अणु, यानी भिन्न 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 प्रकार के परमाणु, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना अणु, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर जो अणु बनता है उसे कहते हैं यौगिक का अणु।
यौगिक का अणु कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें H2O HNO3 HCl CaCO3 NaOCl ETC आदि ये बहुत है। यानी जब इसमें दो परमाणु जब संयोग करें परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के हो तो उन्हें कहते हैं यौगिक का अणु, उन्हें बोलते हैं। जैसे H2O हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, HNO3 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, HCl है, कैल्शियम है और कार्बन ऑक्सीजन है। इस प्रकार जो भिन्न 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 प्रकार के परमाणु से जो मिलकर जो यौगिक बनता जो अणु बनता उसे कहते हैं यौगिक का अणु। तो ये था अपना अणु, कौन सा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, अणु यानी परमाणु से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, अणु। इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बात इसके प्रकार की करें तो दो प्रकार का, तत्व का अणु और यौगिक का अणु। यदि समान प्रकार के परमाणु है तो कहलाता है तत्व का अणु, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना तो इसे कहते हैं यौगिक का अणु। नेक्स्ट पार्ट अपना दे रखा है इसमें आयन, तो अब अपना पार्ट रहेगा आयन। नेक्स्ट पार्ट अपना आयन, आयन का निर्माण कब होता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या ग्रहण किया जाता है तो क्या बनता है आयन। इन परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। बात इसके टाइपिक करें प्रकार की करें दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। नंबर एक धनायन, इंग्लिश में कहते हैं कैटायन, कैटायन। और नंबर दो है ऋणायन, इसे कहते हैं एनायन। तो आयन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धनायन, दूसरा कौन सा होता है ऋणायन। जैसे कि अपने परिभाषा में पढ़ाता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो धनायन का निर्माण कब होता है, जब तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है, तो किसका निर्माण होता है, धनायन का। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास परमाणु क्रमांक कितना हो 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अपन सोडियम को कैसे लिख सकते हैं, 2, 8, 1। आइटम कोष कितना है 1, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसका सोडियम, इसका क्या है 2, 8, 1। ये सोडियम प्लस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा सोडियम प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन भार, प्लस इलेक्ट्रॉन भार, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2.8। तो ये क्या बनेगा अपना आयन, आयन कौन सा धनायन, सोडियम आयन। इसी प्रकार एमजी क्या होता है 2.8.10, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसमें बदलेगा Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। इस प्रकार जो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, तो उससे जो आयन बनते हैं उसे बोलते हैं धनायन, ठीक है। दूसरा है अपना ऋणायन, ऋणायन का निर्माण कब होता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसका निर्माण होता है, ऋणायन का। जैसे Cl, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बाह्यतकोष इलेक्ट्रॉन है 7। इस क्लस्टर को कंप्लीट करने बाह्यतकोष पूर्ण करने के इलेक्ट्रॉन कमी है 1 की, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2.8.7। तो Cl 2.8.7 ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और किस में बदलेगा Cl- में,
Cl माइनस में ऋणायन में और किस में बदल जाएगा 2.8.8 में भाई तुम कोश कैसा हो जाएगा इसका कंप्लीट। इस प्रकार जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं ऋणायन। ये तो अपने अणु है आयन, तो अणु क्या होता है जब परमाणु आपस में संयोग करता है तो इसका निर्माण होता है। अणु का कितने प्रकार के थे, दो तत्वों का अणु, यौगिक का अणु। इस दूसरा था अपना आयन, जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है छोड़ा जाता है तो किसका निर्माण होता है आयन का। टाइप कितने, दो धनायन व ऋणायन। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है तो धनायन का निर्माण होता है और ग्रहण किया जाता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। इस प्रकार अपना अणु आयन टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।